Hello guys, this is Osama here and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss the very important concept of computer architecture, that is Amhadel's law. So let's get started. First of all, Amhadel's law ke introduction mein agar hum dekhen to Jean Amhadel jo tha, wo ek chief architect tha IBM ka, jisne first time jo mainframe series ka founder bhi tha wo, Amhadel's corporation ka founder bhi tha, और IBM's की फर्स्ट मेन फ्रेम सीरीज का चीफ भी था और इसके साथ अदर कंपनीज का भी वो फाउंडर था. सो इसने जो था वो लॉ अपना पेश किया था. नेक्स्ट अगर हम देखें तो Amhadel's law नेम्ड आफ्टर द कंप्यूटर आर्किटेक्ट जिसका नाम कंप्लीट जो था वो जीन Amhadel था और इसके नाम पे ये जो लॉ था वो रखा गया था. अब इसमें लॉ में कहा क्या जा रहा है, Amhadel's law इज यूज्ड टू फाइंड द मैक्सिमम एक्सपेक्टेड इंप्रूवमेंट. Amhadel's law इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि उससे हमें ये पता चल सके कि मैक्सिमम हमें आउटपुट कितनी मिल सकती है किसी भी ओवरऑल सिस्टम. व्हेन ओनली पार्ट ऑफ द सिस्टम इज इम्प्रूव, जब कोई किसी भी पार्ट का, किसी सिस्टम का पार्ट को इम्प्रूव किया जाएगा तो कितनी उससे हमें आउटपुट जो है मैक्सिमम मिल सकती है. सो दैट इज ऑल अबाउट Amhadel's law. कैन बी इंटरप्रेटेड मोर टेक्निकली यूज बट इन द सिंपलेस्ट टर्म्स इट मीन्स दैट इट इज एल्गोरिथम दैट डिसाइड्स द स्पीड अप नॉट द नंबर ऑफ. अब इसमें क्या था कि इसमें ये चीज थी, अगर थियोरेटिकली देखा जाए तो जितने आपके नंबर ऑफ प्रोसेसर्स बढ़ते हैं ना उस तरह आपकी स्पीड जो है प्रोसेसिंग की स्पीड वो भी बढ़ती जाती है. ये एक थ्योरेटिकली चीज ठीक है कि व्हेन द नंबर ऑफ प्रोसेसर्स इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर्स विल आल्सो इंक्रीज. बट Amhadel's law क्या कहता था, Amhadel's ये कहता था कि इस तरह नहीं होता, बल्कि जब नंबर ऑफ प्रोसेसर्स आपके बढ़ते हैं तो उससे स्पीड जो होती है वो आपकी इंक्रीज नहीं होती, वो उससे कुछ लाइक टाइम वाइज जो होता है वो ज्यादा लगता है. सो ये अगर इसको समझना है तो हम सिंपल एल्गोरिथम से इसको डिसाइड करेंगे कि जो स्पीड अप है वो नंबर ऑफ प्रोसेसर्स के ऊपर किस तरह डिपेंड करती है और वो बढ़ती है ये कम होती है. ओके, अगर हम थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देखें तो Amhadel's law जो था वो यही स्टेट कर रहा था कि हाउ दो किस्म के टास्क थे, पैरेलल टास्क कह सकते हैं और इसको एस कह सकते हैं हम. ठीक है, तो इसके अंदर मेनली वो यही बात कर रहा था कि जो स्पीड अप है वो कितनी पैरेलल टास्क से इम्प्रूव हो सकती है. द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ अ सिस्टम इज द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ अ सिस्टम इज रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ इट्स ऑल कंपोनेंट्स. ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होती है किसी भी सिस्टम की वो इसके कंपोनेंट्स पे डिपेंड करती है. System performance is most effectively improved when the performance of most heavily used components is improved. ज़ाहिर सी बात है, system की performance improve हो जाएगी जब उसके जो components हैं उनको उनकी जो performance है उनकी heavily कर दें, उनको improve कर दें तो फिर system की overall performance भी increase हो जाएगी. ये इसकी कुछ history थी. अब Amhadel's law जो था उसने पहले बताया कि ये overall performance की improvement करता था, ये उसको एक्सप्लेन करता था किसी भी लिमिटेड रेंज ऑफ इंपैक्ट में जिसमें हमने ऑप्टिमाइजेशन करनी थी. अब इसने जो इक्वेशंस अपने दी वो थी इंप्रूवमेंट रेट जिसको एन कहा जाता था, ओरिजिनल एग्जीक्यूशन टाइम अपॉन न्यू एग्जीक्यूशन टाइम. ओरिजिनल एग्जीक्यूशन टाइम कितना लगता था और अगर हम इंप्रूवमेंट फैक्टर उसमें ले हैं, रेट ले हैं एन, तो फिर न्यू एग्जीक्यूशन टाइम उसमें कितना लगता था, इससे हमें जो है वो फाइंड आउट हो सकता है. अब न्यू एग्जीक्यूशन टाइम को अगर हमने फाइंड आउट करना है तो उसमें होता है टाइम अनअफेक्टेड प्लस टाइम अफेक्टेड, या इंप्रूवमेंट फैक्टर कह सकते हैं जितना वो बेहतर होगा. टाइम अगर हमने फाइंड आउट करना है तो इंस्ट्रक्शन काउंट मल्टीप्लाई बाय सीपीआई मल्टीप्लाई बाय सीसीटी. ओके, नेक्स्ट वी हैव द इंट्रोडक्शन. If f is the fraction of a calculation that is sequential, अगर आपके पास कोई भी f है वो fraction है जिसके अंदर sequential tasks की calculation होती है. And 1 minus f is the fraction that can be parallelized. अब दो किस्म के हैं जैसे मैंने पहले बताया, one is the sequential and that is f, and second one is the parallelized that is 1 minus f. तो जो maximum speed up होगी वो हम achieve कर सकेंगे by using a p processor, किसी भी p processor से, जो कि 1 upon f plus into 1 minus f upon PO. If you talk about the example, तो फिर 90% जो calculation होती है वो parallelized होगी और 10% जो होगी sequential होगी. तो जो फिर maximum speed up होगी जो achieve की जा सकेगी 5 processor से, उसको हम इस तरह लिखेंगे 1 upon 0.1 plus 1 minus 0.1 upon 5 और roughly जो होगी वो 3.6 होगी. The program can theoretically run 3.6 times faster on 5 processors than on 1. तो अगर हम वैसे देखें theoretically तो 3.6% जो होगी 5 प्रोसेसर से वो स्पीड जो होगी वो बढ़ जाएगी. और मजीद हमारे पास एक एग्जांपल है कि इफ 90% ऑफ द कैलकुलेशन कैन बी पैरेललाइज्ड एंड द मैक्सिमम स्पीड अप ऑफ 10 प्रोसेसर, तो इसको हम ये फार्मूला में प्लेस करेंगे. आई इन्वेस्टिंग ट्वाइस एज मच द हार्डवेयर स्पीड पर द कैलकुलेशन अप टू 50% जो होगी उसकी जो कैलकुलेशन है हार्डवेयर स्पीड है जो इंक्रीज हो जाएगी. इन द नेक्स्ट पॉइंट इफ 90% ऑफ द कैलकुलेशन कैन बी पैरेललाइज्ड एंड देन द स्पीड अप ऑन 20 प्रोसेसर, ये हम इसके ऊपर भी फार्मूला प्लेस करेंगे और फिर जो
आपकी स्पीड होगी हार्डवेयर की अगेन वो डबल हो जाएगी अप बाय द कैलकुलेशन ऑफ ओनली 30%. नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि 90% अगर हमारी कैलकुलेशन जो है पैरेललाइज्ड है देन द मैक्सिमम स्पीड अप ऑन 1000 प्रोसेसर, तो फिर मैक्सिमम स्पीड 1000 प्रोसेसर पे कितनी होगी, दैट विल बी 9.9 थ्रोइंग एन अब्सर्ड अमाउंट ऑफ हार्डवेयर एट द कैलकुलेशन मैक्सिमम सेवरिटी. तो ये एक अब्सर्ड अमाउंट होगी हार्डवेयर की कैलकुलेशन की जिसके अंदर जो थियोरेटिकल है वो आपका मैक्सिमम. तो एक्चुअली जो रिजल्ट होगा वो इसका बुरा साबित जब प्रोसेसर इंक्रीज हो, जो स्पीड अप है वो 9.9% वर्सेस सिंगल प्रोसेसर स्पीड अप जो होगी वो 9.9 इंक्रीज होगी एक सिंगल प्रोसेसर की बनिश. अब इसका एसेंस क्या है, मेन थीम क्या है, एम्हेंडल्स लॉ का मेन पॉइंट ये था कि वो ये कोशिश कर रहा था बताने की कि डेट जब ज्यादातर हम पैरेलल प्रोसेसर को इस्तेमाल करते हैं अचीव करने के लिए कि हमें स्पीड मिल जाए जो लोग चाहते हैं, लाइक इट वॉज एसेंशियली एन आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एफर्ट इन मेकिंग सिंगल प्रोसेसर सिस्टम रन फास्टर. अब लोग ये कहते थे कि वो अचीव करना चाहते हैं पैरेलल प्रोसेसर से अलॉट मोर स्पीड अप, बट ऑन द अदर हैंड जो सिंगल प्रोसेसर है अगर हम उस पर ही एफर्ट इन्वेस्ट करें तो वो सिस्टम को फास्टर रन कर सकते हैं. दैट इज ऑल अबाउट द एसेंस. अब इसकी जनरलाइजेशन अगर हम देखें द प्रोसेसर ऑफ एनी सिस्टम इज कंस्ट्रेंड. कंस्ट्रेंड का मतलब है उस पर कुछ ना कुछ उस पे आप कह सकते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स लगाई जाती हैं या उस पे कुछ पॉइंट्स लगाए जाते हैं कि वो ये करेगा. लाइक अगर हम परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम की बात करें तो जो स्पीड है कैपेसिटी है इसके कंस्ट्रेंट्स से बाय द स्पीड और कैपेसिटी ऑफ द स्लोएस्ट पॉइंट इसके कंस्ट्रेंट्स थे वो एम्हेंडल्स लॉ जो है सिस्टम पे लगाए जाते हैं. द इम्पैक्ट ऑफ एन एफर्ट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोग्राम इज प्राइमरी कंस्ट्रेंट. कोई भी जो इम्पैक्ट होता है ना किसी भी आपके एफर्ट का कि आपने परफॉर्मेंस जो है प्रोग्राम की इम्प्रूव करनी है दैट इज प्राइमरी कंस्ट्रेंट. वो पहले ही एक कंस्ट्रेंट होता है, एक शिक होती है बाय द अमाउंट ऑफ टाइम कुछ amount of time के हिस्से के अंदर that the program spends in parts of the program not targeted by that. तो वो जो time होता है वो amount of जो time होता है वो program spend करता है program के parts के लिए spend होता है. वो खास कोई effort पे नहीं होता कि कितनी effort आप किसी target पे कर रहे हैं उस पे नहीं होता बल्कि program के time पे होता है. And further if you talk about maximum theoretical speed up, अगर हमें maximum theoretical speed up जो है वो हासिल करनी है तो एम्हेंडल्स लॉ इसमें ये स्टेटमेंट देता था कि जो मैक्सिमम थ्योरेटिकल स्पीड है कैन यू कैन एवर होप टू अचीव, आप अचीव तो कर सकते हैं, द एक्चुअल स्पीड अप इज ऑलवेज लेस, लेकिन जो एक्चुअल स्पीड होगी वो हमेशा हमेशा लेस होगी जो कि एम्हेंडल्स ने स्पीड अप प्रिडिक्ट की थी उससे. सो व्हाई एक्चुअल स्पीड अप्स आर ऑलवेज लेस, क्यों फिर एक्चुअल स्पीड जो होती है वो लेस होती है, जैसे कि मैंने बताया था कि जो नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हैं इफ यू यूज अ लार्जर नंबर ऑफ प्रोसेसर्स तो उससे क्या होगी, तो विद रिस्पेक्ट टू सम टाइम स्पीड डिक्रीज हो. डिस्ट्रीब्यूटिंग वर्क टू द पैरेलल प्रोसेसर्स एंड कलेक्टिंग द रिजल्ट्स बैक टुगेदर. अब तमाम के तमाम काम जो होते हैं वो पैरेलल प्रोसेसर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं और वो रिजल्ट को कलेक्ट करते हैं टुगेदर इन एक्स्ट्रा वर्क जब उनको एक्स्ट्रा वर्क रिक्वायर्ड होता है in a parallel versions के अंदर which isn't required in a serial version, जो कि serial version में नहीं चाहिए होता बल्कि parallel version में required होता है. अब if we talk about straggler problem, तो straggler problem के अंदर क्या होता है, when the program is executing in parallel parts of the code, जब कोई भी program जो होता है वो उसके जो parts होते हैं तमाम के तमाम parallel parts में execute हो रहे होते हैं, it is unlikely that all the processors will be computing. तो फिर ये चीज़ नहीं होती कि तमाम के तमाम processors ही काम कर रहे हैं ऑल द टाइम, हर वक्त ही काम कर रहे हैं, जब भी कोई चीज़ एग्जीक्यूट करनी है तो फिर ये नहीं होगा कि तमाम के तमाम प्रोसेसर एट द सेम टाइम काम कर रहे हैं. सम ऑफ देम आर लाइकली टू रन आउट ऑफ द वर्क, कुछ जो होंगे उसमें से काम लाइक नहीं कर रहे होंगे और टू डू बिफोर अदर्स आर फिनिश्ड देयर पार्ट्स एंड पैरेलल वर्क, और कुछ जो होंगे उसमें से अपना काम पहले ही खत्म कर चुके होंगे. सो दैट इज द रीजन कि उनकी जो स्पीड अप है उस वो इफेक्ट होगी. अब हम बॉटम लाइन की भी बात करेंगे लेकिन इससे पहले हम ये देख लें कि एक जनरल एग्जाम्पल मैं आपको दूँ कि फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव a very if we have a sport or a region jahan bahut zyada barf pad rahi hai theek hai aur humne kisi cheez ki transport karni hai, so we use for example hum horses ko use kar rahe hain ya hum dogs ko use kar rahe hain, to isme se agar hum dogs ki misal le to usme 5 dogs hain jisme se 3 dogs jo hain wo bahut fastly move kar rahe hain, on the other hand jo 2 dogs hain wo kam move kar rahe hain, to अब क्या होगा जो फास्टली मूव कर रहे हैं वो 2 डॉग्स पे तो अफेक्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो 2 डॉग्स स्लोली रन कर रहे हैं वो भी 3 डॉग्स जो फास्ट रन कर रहे हैं उस पे भी इफेक्ट करेंगे. सो दैट इज द रीजन उनका जो इंडिविजुअल टाइम की बजाय
जो कलेक्टिव टाइम होगा उस पर भी असर होगा. एंड इफ यू टॉक अबाउट बॉटम लाइन, तो एनीवन इंटेंडिंग टू राइट पैरेलल सॉफ्टवेयर सिंपली मस्ट हैव अ वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग. कोई भी अगर इंसान है वो पैरेलल सॉफ्टवेयर को लिखने जा रहा है या उसको इस्तेमाल करने जा रहा है, तो सबसे पहले उसको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एम्डर्स लॉ. अगर तो वो अवॉइड करना चाहता है कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अपने पैरेलाइजिंग प्रोग्राम एल्गोरिथम के अंदर के कैन अचीव, एंड इफ दे आर अवॉइड, और अगर तो वो उसको अवॉइड करेगा, अंडर एस्टिमेट करेगा इसको, इस एफर्ट्स को, तो फिर क्या होगा कि जो परफॉर्मेंस है जो आप चाहते हैं, जो आप एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस है, उसके ऊपर कोई ना कोई असर डलेगा. सो दैट इज ऑल अबाउट एम्डल्स लॉ. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन क्वेरी यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल.